गुड आफ्टरनून सर, मैं विमल कुमार सिंह, वरिष्ठ पत्रकार VBS न्यूज का, और हम लोग ज्वाइंट कंबाइंड फोरम में News24 के साथ में। तो सर, मैं क्वेश्चन आपसे एक पूछना चाहता हूँ। आई एम द स्टार रिपोर्टर ऑफ द VBS न्यूज, सो आई वुड लाइक टू एम्फसाइज वन क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। चूंकि ये प्रत्याशी जो भी हैं विपक्षी, काफ़ी वो भी ग्राउंड लेवल पे उन्होंने वर्कआउट किया हुआ है। आपका भी सर जितना जनता सपोर्ट की है और जितना वार्ड्स की यहाँ संख्या था, तो ये आपका जीत सुनिश्चित करता है। तो सर, इसमें आप क्या दो शब्द बोलना चाहते हैं? जो आपने वादा सर किया, उस पर किस तरह से मेटरलाइज होगी चीज़ें? देखिए, आप सबको मैं बताऊं और आप सबके माध्यम से मैं ये बताना चाहता हूं कि हम लोग संघर्ष से निकले हुए लोग हैं। हमने मेरे राजनीतिक जीवन का आप अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हम लोगों ने संघर्ष किया है। अगर हमारे छपरा के जो भी मतदाता हैं, जनप्रतिनिधि, अगर वो चुनाव जिताकर हमें भेजते हैं तो उनका काम है एक वोट देना, और उसके बाद 6 वर्षों तक मेरा काम है उनके चेहरे की रोशनी को चमकाना। चलिए सर, ये इसमें मैं एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। चूँकि जो सत्ताधारी पक्ष थे, वो जीतने के बाद 6 साल तक तो अपने कार्यकाल में रहते नहीं है, कहीं और आउट ऑफ स्टेट रहते हैं। तो सर, लेकिन आप धातल के व्यक्ति हैं, और जो ये वार्ड्स की संख्या है, ये कारण बताती है सर, काउंट्स ऑफ विनिंग विक्ट्री, ये कारण बताती है कि सर आपका जीत होगा? और चूँकि ये वार्ड्स इतने संख्या में आपके समर्थन में आए थे सर, तो आप इस चीज़ों को एक चैलेंज के रूप में ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं सर आप इसको? कैसे इसको देखिए, मेरे को किसी से चैलेंज ही नहीं है जी। मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, मैं लोगों के बीच में काम किया हूँ जी। तो सब लोग का अपने प्यार स्नेह देखा होगा हम लोगों के पास। सब लोग अपने अपने साधन से मेरे हर सभा में आते हैं, मेरा साथ देते हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे सभी जनप्रतिनिधि जो छपरा के मत